हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। गाइस, आप लोगों को जैसे कि पता है कि वन प्लस हमेशा हर छमाही में एक स्मार्टफोन को तो लाता ही है, हर एक छमाही में एक फ्लैक्स स्मार्ट या ग्रेट स्मार्टफोन लाता है कह सकते हैं। ऐसे में गाइस आपको बता दूँ कि वन प्लस की तरफ से आने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में, वन प्लस 9 प्रो और वन प्लस 9 के बारे में कुछ स्पीकेशन लॉन्च से पहले इसकी लीक आ गई हैं। अब बात करेंगे गाइस इन्हीं दोनों स्मार्टफोन को लेकर कुछ स्पीकेशन जो लीक्स निकल के आई है और क्या क्या लीक्स निकल के आए, क्या इसके फीचर्स होने वाले हैं वन प्लस 9 और 9 प्रो के लेकर। पूरे डिटेल्स में वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो पूरा अंत तक देखने के बाद आपको लगता है इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वन प्लस 9 प्रो और वन प्लस 9 के प्रमुख स्पीकेशन ऑनलाइन लीक्स हो चुके हैं। टिप्सर के अनुसार वन प्लस 9 प्रो और फोन को 6.8 इंच का क्वाड HD प्लस डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ लेस होगा, जबकि वनीला वन प्लस 9 प्रो को 6.55 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। वही वन प्लस अपनी बहुत प्रतीक्षित वन प्लस 9 सीरीज के मार्च में लॉन्च कर सकती है और टिप्सर के अनुसार दोनों ही स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर से लैस होंगे। वही डिजिटल चैट स्टेशन ने आगामी वन प्लस 9 सीरीज के स्पीकेशन की जानकारी चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वीवो के जरिए एक शेयर किया है कि उनमें वन प्लस 9 प्रो और वन प्लस 9 के एक स्क्रीन में 3.8mm की सिंगल पंच होल दिया जा सकता है जो कि स्क्रीन के ऊपरी बाईं ओर स्थित होगा। वन प्लस 9 प्रो को लेकर कहा गया है कि इसमें कवर्ड डिस्प्ले दिया जाएगा जबकि वन प्लस 9 में फ्लैट स्क्रीन मौजूद होगी। स्मार्टफोन को लेकर कहा गया है कि यह काफ़ी हल्का होगा जिसका वजन 200 ग्राम से भी कम होगा। हालांकि फ़ोन में बैटरी स्पीकेशन की जानकारी फिलहाल साफ नहीं की गई है, लेकिन टिप्सर के ने यह जरूर संकेत दिया कि वन प्लस 9 प्रो को वन प्लस 9 में 4500mAh की बैटरी दी जाएगी। याद दिला दे कि वन प्लस 9 प्रो को लेकर पहले भी खबर सामने आ चुकी है, इसमें 45 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकेगा, जबकि वनीला वन प्लस 9 प्रो में स्मार्टफोन में 30 वाट का वायरलेस चार्जिंग मौजूद होगी। दोनों मॉडल्स में वन प्लस 8 और प्रो के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की भी सपोर्ट मिलेगा। वन प्लस 9 के स्मार्टफोन के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के दिया जाएगा सकता है जिसमें 50 MP का अल्ट्रा एंगल प्राइमरी कैमरा से शामिल हो सकता है। इसके अलावा इस कैमरा में सेटअप में 12 MP का टेलीफोटो कैमरा के साथ ऑटो फोकस के लिए F2.4 लेंस शामिल होगा। आगामी वन प्लस में एंड्रॉयड 11 पर काम कर सकेंगे। ये गाइस बता दें कि वन प्लस 9 प्रो में वन प्लस 9 के अलावा वन प्लस लाइट की भी जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। ये भी कुछ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 के साथ प्रोसेसर लेस हो सकता है, ये भी कुछ खबर सामने निकल के आ रही थी। तो गाइस कह सकते हैं वन प्लस की तरफ से इस बार वन प्लस 9 सीरीज में 3 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं और गाइस यही स्मार्टफोन आपको मार्च के महीने के अंत तक देखने को मिल सकते हैं ये दोनों स्मार्टफोन, जहाँ तक कि मेरे ख्याल है और मेरे ये अंदाजा है। तो गाइस आप लोग बताइएगा वन प्लस 9 सीरीज को लेकर आप लोग क्या राय विचार क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मेरे गाइस आपको प्रेस कर लीजिएगा।